ओके चलो। हम जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है इंडिया का क्या लोकेशन देन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी दैट इज पार्ट वन। ओके, कल हमने इम्पोर्टेंस देखा, इंडिया का इम्पोर्टेंस देखा। उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस इंडिया का लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग किया कि भाई लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ओके, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया कहाँ पर है, वो सब हमने अच्छे से, कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, चार पार्ट, अगर इसका चार फोर पार्ट्स कर दें तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर लेफ्ट साइड वाला पार्ट ले तो वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले तो ये वाला पार्ट ले तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट ले तो राइट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अंडरस्टूड? तो ये सारी बातें हमने देखी, सब समझ में आ गया। बताओ चलो, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड होती है या वर्टिकल लाइन लैटिट्यूड होती है? पक्का? हाँ, क्या पूछा मैंने, कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड होती है या वर्टिकल लाइन लैटिट्यूड होती है? तो क्या आएगा आंसर, वर्टिकल लाइन लैटिट्यूड होती है। इतना इजी अच्छे से समझाया था, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड होती है, तो लेटा हुआ मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड होती है ना कि वर्टिकल, भूल गए तुम। समझ में आया? याद आया? याद, ये याद रखने की ट्रिक थी कि भाई लेटी हुई लैटिट्यूड, तो लेट जाते हो तुम, खड़े खड़े सो जाते हो या लेट के सो जाते हो, तो फिर लेटी हुई लैटिट्यूड और जो खड़ी है दैट इज लेटी हुई लैटिट्यूड, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल हुई ना, तो लेटी हुई है मतलब हॉरिजॉन्टल, और लेटी हुई है मतलब क्या है, ये लैटिट्यूड है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। समझ में आया? पक्का? अब तो गलती नहीं होगी। ओके चलो, ये हमने कल डिस्कस किया था, आगे देखते हैं। चलो नाउ देखते हैं, चलो देखो क्या है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 32.8 दैट मीन्स ऑलमोस्ट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर, मीटर हो तो भी मीटर स्क्वायर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर का स्क्वायर, तो हमारा क्या है, किलोमीटर का स्क्वायर, लेकिन कितने में है, लाख में है, सो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एंड इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है कि अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एरिया वाइज इंडिया कौन सा है, तो एरिया वाइज इंडिया कौन सा है, 7th नंबर पे है, मतलब ऐसी 6 मोर कंट्रीज है जो एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज हम फर्स्ट है, बुक में सेकेंड लिखा हुआ है तो तुम सेकेंड ही लिखना जो बुक में लिखा हुआ है वो, लेकिन रिसेंटली हम फर्स्ट हो गए हैं, ओके, बट एरिया वाइज हम कौन से है, 7th नंबर पे है, तो ऐसी कौन सी 6 कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी है, सोचो इंडिया से बड़ी है कंट्री बट पॉपुलेशन इंडिया से कम है, तो इसीलिए तो लोगों के पास जगह भी ज्यादा है, हम कैसे ऐसे एक रूम में जहाँ पे 2 लोग 3 लोग रहने चाहिए उसकी जगह 5 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, एक सोसाइटी में सपोज से 10 घर होने चाहिए उसकी जगह 50 घर बना दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा है, तो कम जगह पे ज्यादा लोग, वहां पर पॉपुलेशन कम है और जगह ज्यादा है, तो सोचो कितनी कितनी मतलब स्पेस ही स्पेस है, समझ में आया, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन दैट दे आर डेवलपिंग फास्ट, वो सारे नेशंस ज्यादा फास्ट डेवलप कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है और कंज्यूम करने वाले कम है। अगर तुम्हारे घर पे खाना सपोज 3 लोगों का बन रहा है और कोई मेहमान आ गया और उस दिन 5 लोग खाएंगे, 2 मेहमान आ गए, खाना उतना ही है, तो तुम्हारे 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 पास रोज आता है उतना ही खाना आएगा, उससे कम आएगा क्यों, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हो गए, खाना उतना ही है और खाने वाले ज्यादा हो गए,
लेकिन ऐसा समझो कि हमारे घर में सबका उपवास है, फास्ट है, सिर्फ हम ही खाने वाले हैं, लेकिन खाना फिर भी उतना ही बनाया है, तो तुम्हारे पार्ट में तुम्हारे पास ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि खाना उतना ही है लेकिन खाने वाले कम हो गए, तुम्हारे पास ज्यादा आएगा। तो वहां पे जगह बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कम है। ओके, सो कौन सी है ऐसी कंट्रीज? तो पहली कंट्री है रशिया। देखो हम कितना बड़ा, ये रशिया देखा ना अभी मैप में, ओके कितना बड़ा, सबसे बड़ा रशिया देखो मैप में ही दिखाई दे रहा है, ये रहा पूरा, कहाँ गया? ये तो एशिया लिख दिया है, एशिया नहीं है, एशिया तो यहाँ है, ये यूरोप के, यूरोप में मतलब पर्टिकुलरली यूरोप में हम गिनेंगे तो यहाँ पर ऐसे रशिया पूरा बड़ा कंट्री है। ओके, सो वो दूसरे मैप में दिखाई देगा, यहाँ पर तो हमने एशिया और वो भी बहुत बड़ा दिख गया, दैट इज रॉन्ग, हाँ इतना बड़ा एशिया नहीं है। ओके, और एशिया दैट इज कंट्री का नाम नहीं, एशिया तो किसका नाम है? कॉन्टिनेंट का नाम है। यहाँ हम कंट्री की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ये एशिया है तो ये एशिया तो पूरा कॉन्टिनेंट मान लो, तो एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया है पूरा, ये देखो ये कॉन्टिनेंट वाइज है भाई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ओके, एंटार्क्टिका, कॉन्टिनेंट वाइज मैप गिवन है। सो अगेन ये एशिया ही है लेकिन रशिया यहाँ पर दिखाया गया नहीं है। ओके, यहाँ पर रशिया है, रशिया है, तो दैट इज नॉट शोन। ओके चलो, हाँ सो पहला है रशिया, देन नेक्स्ट इज कैनेडा, देन यूएसए, देन चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये छह नाम तुम्हें याद रखने हैं, कौन कौन से? रशिया है, कैनेडा है, अमेरिका है, देन हाँ यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए है अमेरिका, देन चाइना है, ब्राजील है एंड ऑस्ट्रेलिया है। अंडरस्टूड, पक्का? ओके चलो नेक्स्ट, द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया। तो हमारा जो लैंड एरिया है वो कहाँ पर है? पूरे एशिया में कहाँ पर है? साउथ एशिया में। अभी देखा ना पूरा ग्रीन कलर का एशिया लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट वाइज, और वो जो मतलब वो मैं जैसे बोला कि ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं मतलब वही है, वो गलती हो गई मेरी, क्यों? क्योंकि रशिया मैं ढूंढ रहा था बट ये मैप तो कॉन्टिनेंट का था, ये मैप तो किसका? कॉन्टिनेंट का मैप है लेकिन हम कंट्री की बात कर रहे थे, रशिया कंट्री की बात कर रहे थे। अंडरस्टूड, तो दैट विल बी गिवन इन सम अदर मैप, रशिया को दिखाया गया होगा। ओके, तो जो पूरा ग्रीन कलर का एशिया था उसमें व्हाइट कलर का जो था वो इंडिया था, तो साउथ में था ना, एशिया के साउथ में था इंडिया। सो लाइज इन द साउथ एशिया, इन द नॉर्थ एंड लॉफ्टी माउंटेन्स। मतलब क्या बोला गया है कि इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर स्प्रेड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो इंडिया में एकदम बड़े बड़े माउंटेन्स है, कहां से कहां तक? भाई वेस्ट से लेकर के पूरे ईस्ट तक माउंटेन्स ही है। दैट इज वाई द कॉम्यूटिंग विथ टिबेट एंड चाइना इज पॉसिबल ओनली थ्रू पासिस लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड। इसीलिए चाइना और टिबेट के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बाय रोड और से बाय बसेस, ट्रेन ऐसा नहीं है, सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे, जो रोड बाय रोड है लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे मतलब बहुत ज्यादा ऊपर, पासिस थ्रू, जैसे कि तुमने नाम शायद सुना हो न्यूज व्यूज में कि भाई बारामुल्ला पास, ये पास, वो पास, पास मतलब क्या? एक ब्रिज टाइप, एक छोटा सा ब्रिज है यहां से इसको कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो वो पास मतलब क्या है कि वहां से रोहतांग पास। ओके, तो रोहतांग एरिया है हमारा शिमला और वो साइड ऊपर हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो रोहतांग पास ऐसे बोला जाता है। तो पास मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करना, वो हायर एल्टीट्यूड पे है। क्यों? क्योंकि हाँ हाँ बाय ब्रिज, यस ओके, और हायर क्यों बाय ब्रिज ही क्यों? क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है बाय ब्रिज, अगर बाय टनल भी हो सकता है, मतलब ऐसे पहाड़ी पहाड़ है और उसके बीच में ऐसे पूरी एक टनल है, पहाड़ के अंदर टनल है, तो ये साइड दूसरी कंट्री भी हो सकती है, ये साइड भी दूसरी कंट्री हो सकती है। वैसे हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे पासिस बनाए गए, जनरली ब्रिज होते हैं लेकिन टनल्स भी होती है। ओके, सो ये बनाई गई है क्यों? क्योंकि माउंटेन्स है तो माउंटेन पूरा ऐसे चढ़ के थोड़ी कोई आएगा ट्रांसपोर्ट करने या कुछ भी कॉम्यूट करने, तो इसीलिए ये पासिस बनाए गए हैं। देन कहां गए हम? यस, बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट। तो ईस्ट में क्या है?
बे ऑफ बंगाल, ये रहा बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरेबियन सी टू द वेस्ट, तो ये है अपना अरेबियन सी, देन इंडियन ओशन इन द साउथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया के यहाँ पे अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। द सी इज यूटिलाइज्ड एज अ वाटर वे, तो सी पूरा कैसे यूटिलाइज होता है, वाटर वे मतलब पानी का रास्ता, वाटर वे मतलब पानी का रास्ता, सब एक होता है लैंड रे, लैंड रूट और दूसरा होता है एयर रूट और एक होता है वाटर रूट। ओके, सो पानी का रास्ता सी के लिए हम यूज करते हैं। इवन दो द लैंड रूट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सराउंडिंग माउंटेन्स, लैंड रूट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बाय सराउंडिंग माउंटेन्स, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो, कहाँ है आज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो माउंटेन्स आ जाते हैं ओके बीच में, तो हम नहीं जा सकते। फिर भी ओके फिर भी इंडिया हैज एक्सेप्टेड ऑल कल्चरल एलिमेंट्स अराइविंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दीज हैव मर्ज्ड इनटू इंडियन सोसाइटी, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मतलब हमारे पास तो क्या है कि माउंटेन्स है, दूसरी साइड सब ओशन है, तीन साइड पे ओशन है, एक साइड पे माउंटेन्स है, लेकिन बीच का ये डेजर्ट वाला एरिया, फिर भी जो भी लोग यहाँ से मतलब इंडिया में आए हैं, इंडिया ने सबको एक्सेप्ट ही किया है, मतलब सारे कल्चर्स को एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं कि अरे भागो तुम, ये हमारा देश है, तुम्हारे कोई जगह नहीं है, ऐसा कभी किया नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और मर्ज हो गए हैं इंडियन सोसाइटी में, क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए, मतलब घुल मिल गए हैं। ओके चलो, तो देखो ये है हमारा इंडिया, ये है तिब्बत का इलाका, अब देखो ये है चाइना, कितना बड़ा है चाइना, देखो सोचो, चाइना पाकिस्तान से टच है, अफगानिस्तान से टच है, इंडिया से भी टच है, टिबेट, टिबेट एक्चुअली चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, टिबेट जो रीजन है वो एक्चुअली हमारा था लेकिन ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके चलो, सो ये पूरा बहुत बड़ा चाइना है, जैसे हमने देखा ना कि इंडिया से लोकेशन एरिया वाइज भी चाइना बड़ा है, तो देखो दिखाई दे रहा है चाइना कितना बड़ा है। ओके, सो द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया, ये तो हमने पूरा पढ़ा। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सारे रूट दिखाए गए हैं, तो जो डॉटेड लाइन है वो है सी रूट। ओके, अलग अलग देखो, ये सुएस कैनाल है तो ये सी रूट है, ऐसे सुएस कैनाल, तो यहाँ से ऐसे करके ये मुंबई आ गए, देन यहाँ से ऐसे करके श्रीलंका साइड चले गए। ओके, ये अफ्रीका से यहाँ आए सी रूट से, अलग अलग ये बे ऑफ बंगाल से सी रूट, तो ये सारे ही म्यांमार चले गए, यहाँ कोलकाता चले गए, ये सारे ही सी रूट हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, देखो सब जगह ही जा रहे हैं हम सी रूट से। एट द सेम टाइम एयर रूट भी है, तो एयर रूट तो भाई हवा में तो उड़ाओ, जहाँ उड़ना हो वहाँ पे, तो ऐसे करके डायरेक्टली स्ट्रेट, ये सारे एयर रूट है, समझ में आया। ओके, सो ऐसे जो मैप के क्वेश्चन होंगे वो हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर ही लेंगे हम मैप का क्वेश्चन का। ओके, सो इंडिया होल्ड्स स्ट्रेटेजिक, वही आए ना, हाँ, सो इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, हम तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एंड इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, कैसे आगे देखते हैं। इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, oceans have contributed immensely in developing the mutual relations in ancient times, तो strategic है, मतलब क्या कि particularly India के साथ अगर कोई नाता relation बिगाड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, particularly कि भाई हम support नहीं कर रहे तो फिर तुम हमारे land पे भी आ सकते नहीं हो, हमारे जो water area है, हमारा जो ocean में water area है वहाँ पर भी तुम आ सकते नहीं हो, तो इसीलिए इंडिया स्ट्रेटेजिक है सबके साथ, इंडिया कहीं पर भी तुम्हें और भी से वेस्टर्न, और वेस्टर्न बोल रहा हूँ, ईस्टर्न एशिया के साथ अगर तुम्हें रिलेशन रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ रखने हैं, श्रीलंका के साथ रखने हैं, सो इंडिया के साथ तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। और अगर इंडिया के ऊपर देखें तो ये सारे जो हमारे सऊदी कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज जिसे हम बोलते हैं, उनके साथ भी लैंड रूट अगर सही सही रखना हो तो भी इंडिया तो बीच में आएगा ही आएगा। देखो ये लोग को यहाँ जाना हो तो ऐसे घूम के चाइना घूम के थोड़ी जाएंगे, यही जाएंगे ना सीधे। ओके लाइक दैट, सो इन एंशिएंट टाइम्स, ओके पहले से ही है, इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड
साउथ ईस्ट एशिया सिंस एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम से पौराणिक बहुत ज्यादा प्राचीन टाइम से इंडिया ने रिलेशन रखे हुए हैं किससे, ईस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये अफ्रीका है और ये उसका ईस्ट है। ओके, तो ईस्ट ऑफ अफ्रीका ये देखो केन्या एंड ऑल, सो ये रहा जिम्बाब्वे। सो ये अफ्रीका का जो ईस्ट है उसके साथ रखा हुआ है। देन वेस्ट ऑफ एशिया, तो ये एशिया है और ये क्या है, वेस्ट ऑफ एशिया। ये पूरा एशिया है और ये वाला पार्ट है वेस्ट ऑफ एशिया। देन साउथ एशिया, तो ये जो पार्ट है दैट इज दी साउथ, हम भी साउथ ऑफ एशिया में है और ये पूरा थाईलैंड, बैंकॉक, ये पूरा का पूरा मलेशिया, सिंगापुर, सारा का सारा साउथ ऑफ एशिया है। एंड साउथ ईस्ट ऑफ एशिया, मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो है साउथ ऑफ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया में तो हम ही है, श्रीलंका भी है तो वो भी साउथ एशिया में गए, तो यहाँ भी और से साउथ ईस्ट एशिया में भी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि अभी अभी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत प्राचीन काल से, सैकड़ों ईयर्स से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले से हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं। देन इंडिया हैड डेवलप्ड कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशंस विद देम ड्यू टू हर लोकेशन। तो हमने कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशन बनाए रखे हैं हमारे लोकेशन की वजह से। हमारी लोकेशन बोला ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक यूनिक लोकेशन है इंडिया की। नो कंट्री इन इंडियन ओशन हैज अ लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया हैज। तो पूरे के पूरे इंडियन ओशन में कोई भी ऐसी एक कंट्री नहीं है जिसकी इंडिया जितनी लॉन्ग मैरीटाइम कोस्टल बाउंड्री हो। मतलब कि ये जो हम देखते हैं कि देखो ये पूरा ओशन कितना ज्यादा ओशन के कवर्ड है, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास हमारे जितना कोस्टल लाइन हो। ओके, कोस्टल लेंथ जो हमारी है वो मोर देन 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर से बड़ी हमारी कोस्टल लाइन है। तो ऐसी कोई कंट्री, नो कंट्री इन इंडियन ओशन, मतलब जो इंडियन ओशन की कंट्री की बात करें तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिनकी इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा कोई भी इंडिया के अलावा ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसकी इतनी बड़ी मैरीटाइम लाइन हो, ओके, बाउंड्री हो। ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन द ओशन इज नेम्ड एज इंडियन ओशन। तो इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंडियन ओशन बोला जाता है। अंडरस्टूड? चलो, लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इंटरनेशनल वाटरवेज की बात करें, यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे थे भाई, साउथ और से ईस्ट अफ्रीका की बात कर रहे थे, और से साउथ और से वेस्ट ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया की बात कर रहे थे, देन साउथ ऑफ एशिया की बात कर रहे थे, एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे थे। तो सिर्फ यहाँ हमारे आसपास की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी दूर दूर, मतलब यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इतने दूर दूर इंटरनेशनल की बात हो वहां पर भी हमारा स्ट्रेटेजिक ही लोकेशन है। इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869, ये पूछा जा सकता है कि कब ओपन हुई थी, 1869 में सुएज कैनाल ओपन हुई थी। द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप हैज रिड्यूस्ड बाय अबाउट 7000 किलोमीटर। तो ऐसे पूरे घूम के जाओगे तुम तो 7000 किलोमीटर होंगे, यहां से ऐसे पूरा घूम के यूरोप जा रहे हो। ओके, तो कितना होता था, बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब सुएज कैनाल आ गई है। ओके, सो सुएज कैनाल की वजह से, ये देखो ये भी सुएज कैनाल, तो ये सुएज कैनाल की वजह से क्या हो गया है, 7000 जितना किलोमीटर क्या कम हो गया, मतलब रिड्यूस्ड बाई अबाउट 7000 किलोमीटर। मतलब उनके बीच का, इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस जितना भी था, सपोज 10,000 डिस्टेंस था, तो अभी 3,000 रह गया, 7,000 कम हो गया है, रिड्यूस्ड। ओके, सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू, देखो कितना कुछ कनेक्ट कर रहा है, सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को कवर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका को इंडिया कवर कर रहे हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया टू यूरोप जाना हो तो भी इंडियन ओशन में इंडिया थ्रू ही जाना पड़ेगा। द सर्कम अफ्रीकन वाटरवे एंड सुएज कैनाल वाटरवे इज पास बाय इंडिया। तो ये जो दो वाटरवे है, सर्कम अफ्रीकन वाटरवे और सुएज कैनाल वाटरवे है, वो इंडिया से ही पास होगी। ओके, तो ये है सर्कम कैनाल और ये है सुएज कैनाल। ओके, तो ये दोनों क्या है, इंडिया से ही पास हो रही है।
ओके. देन कैनेडा एंड यूएसए कैन बी रीच्ड थ्रू द सेम वाटरवे वाया स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड पैसिफिक ओशन. तो स्ट्रेट ऑफ मलाका और पैसिफिक ओशन से जाए तो हम डायरेक्टली कैनेडा और यूएसए भी जा सकते हैं. देन लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस, ये तो हमने देखा. नाउ इंडिया हैज कॉन्टेक्ट विथ मैनी कंट्रीज सिंस मैनी सेंचुरीज. तो भाई सैकड़ों सालों से हमारा पूरे के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ क्या है, रिलेशंस है. गुड्स एंड आइडियाज आर बीइंग एक्सचेंज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स. तो बहुत पहले के टाइम से गुड्स, सामान और से कल्चर का क्या होता था, एक्सचेंज होता था. सिमिलरली कंसेप्ट्स ऑफ उपनिषद, स्टोरीज ऑफ रामायण, पंचतंत्र, थेरापेटिक मेथड्स, इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम्स एक्सेट्रा कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे ही मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ कल्चर और सिर्फ गुड्स और आइडियाज ही एक्सचेंज होते थे. हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, उपनिषद, वेदाज, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे ग्रंथ है, स्टोरी ऑफ रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, ओके, थेरा पंचतंत्र की कहानियां जो जैन और बुद्धिज्म में जो होता है, जनरली बुद्धिज्म की जो होती है स्टोरीज, वो बहुत ज्यादा है. तुमने पढ़ी है कभी? पढ़ना पंचतंत्र की कहानियां, जटका टेल्स, ओके. तो वो बहुत ही बढ़िया लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग पता चलेगी, जिंदगी जीते कैसे. और मस्त बच्चों की बुक ही हुए हैं, कार्टून वे में एनिमेशन, एनिमल की फिगर, वो सब फोटोग्राफ्स के साथ सब कुछ बताए. तो कभी भी कहीं पे देखो या शायद स्टेशनरी पे भी मिले, पढ़ना, इट्स वेरी गुड, मजा आएगी ये पढ़ने के लिए, ओके. तो वो पढ़ना कभी बहुत अच्छा है. फिर टेंथ में मत पढ़ना, पढ़ना हो तो अभी पढ़ना या फिर टेंथ के बाद पढ़ना, ओके. देखो सो ये सारी चीजें, पंचतंत्र, थेरापेटिक मेथड्स, थेरापी की मेथड्स, इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम, ये सब वर्ल्ड को दिया है किसने, इंडिया ने, ओके. इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में इंडिया का इंपॉर्टेंट लोकेशन है. देयर आर 29 स्टेट्स एंड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. तो भाई ये पुरानी बात है, अभी ऐसा नहीं है. अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऐसा ही लिखो जैसा बुक में गिवन है, ओके. लेकिन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं तुम्हें जनरल इन्फॉर्मेशन दिखा दूं, 29 स्टेट नहीं है, अभी कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट है. कितने हैं? 28 स्टेट है. 6 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज है. कितनी? 8 यूनियन टेरिटरीज. अंडरस्टूड? सो 28 प्लस 8 36. इसमें तो 7 हो गए, उसमें चेंज आ गए, तो मेरी ये पूरा नहीं है मतलब. तुम्हारी कौन सी प्रिंट है? तुम्हारी तो लेटेस्ट है ना, 28 और 7 है. हाँ, लेकिन वो अब 8 हो गई है. नहीं, 29 और 6 तो 28 और 7. हाँ, वो ही सही है. तो 28 और 7 हो गई है ना. सो यस, दैट इज करेक्ट, 28 और 7 करेक्ट. अंडरस्टूड? तो टोटल कितने हो गए? 35. अंडरस्टूड? क्योंकि ये जो लास्ट ईयर जो लेह लद्दाख है वो नेशनल टेरिटरी बनी, फिर दादर नगर हवेली और दमन वो अलग अलग नेशनल टेरिटरी थी, वो एक नेशनल टेरिटरी हो गई. तो इसकी वजह से सारे स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी चेंज हो गई है. तो यस, तुम्हें जो बुक में, लेटेस्ट बुक में जो गिवन है, तुम्हारी एकदम लेटेस्ट है, 28 और 7 गिवन है, तो 28 और 7 ही लिखना है. अंडरस्टूड? चलो. हाँ, सो इतनी है टेरिटरीज एंड ऑल. देन इंडिया होल्ड्स, लूट्स लिखा है. इंडिया होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में इम्पॉर्टेंट प्लेस है. देर आर 29, ये क्यों फिर से रिपीट किया, ओके. लाइक टू नो, तेलंगाना वॉज क्रिएटेड एज 29th स्टेट फ्रॉम इट्स मदर स्टेट आंध्र प्रदेश ऑन ऑफ 2nd June 2014. ये जब हुआ तब उसके दो महीने बाद ही मैं गया था वहां पर, ओके. तो क्या है कि जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना, क्या आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा था तो उसके दो पार्ट कर दिए हैं. एक पार्ट को बोला जाता है आंध्र प्रदेश और दूसरे पार्ट को क्या बोला जाता है, तेलंगाना, ओके. दोनों में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तेलुगु. और दोनों का कैपिटल अभी कौन सा है, हैदराबाद, ओके. हैदराबाद दोनों का कैपिटल है. 2024 तक दोनों का कॉमन कैपिटल है,
हैदराबाद, उसके बाद 24 के बाद अमरावती हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, से वाइजैग भी वहीं पे है, एंड विशाखापट्टनम जिसे बोलते हैं उसको वाइजैग बोलते हैं, एंड हैदराबाद हो जाएगा तेलंगाना का कैपिटल। ओके, लाइक दैट जानने के लिए। सो नेबर्स ऑफ इंडिया वो तो हमें पता ही है, ओके कौन कौन से हैं, फिर भी देख लेते हैं। इंडिया हैज कॉमन लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो इतनी छोटी सी बाउंड्री हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, बहुत ही छोटी सी बाउंड्री। ओके, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट विथ चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नेपाल तो पूरा देखो ऐसे हमारे साथ ही है, सो नेपाल देन चाइना, ओके एंड भूटान, भूटान भी यहाँ पर हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एंड विथ म्यांमार एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश ऐसे बीच में है और म्यांमार यहाँ। ओके, सो इन द ईस्ट, अंडरस्टूड। ओके, श्रीलंका इज ऑल्सो अवर नेबर, बट वो उसके साथ हम लैंड से कनेक्टेड नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया? इन द साउथ देखो लिखा हुआ ही है, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अवर मैरीटाइम नेबर्स। तो मालदीव्स एंड जो श्रीलंका है, श्रीलंका तो यहाँ है, मालदीव थोड़ा और नीचे है। ओके, सो वो ये मालदीव्स आइलैंड दिख रहा है, सो दीज आर द मालदीव आइलैंड्स एंड दिस इज श्रीलंका, बट ये हमारी कंट्री नहीं है। ओके, तो ये मालदीव्स घूमने जाओ दैट मीन्स यू नीड अ पासपोर्ट, पासपोर्ट चाहिए तुम्हें। ओके, क्योंकि हमारे नहीं, हमारे आइलैंड कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ओके, सो मालदीव्स हमारा नेबर है और से श्रीलंका भी हमारा नेबर है, लेकिन वो लैंड से कनेक्टेड नहीं है, समझ में आया? ओके, देन इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट और एंड से गल्फ ऑफ मन्ना। ये भी एक मार्क में पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर वाटरवे है, ओके, जिसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट एंड से गल्फ ऑफ मन्नार, उसको उसके साथ हम श्रीलंका के साथ सेपरेटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी वाइल अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। सो लक्षद्वीप ये साइड है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में एक जो हमारा आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड थे, तुम्हारे क्लास 8th की इंग्लिश में शायद आया था तुम्हें पता हो तो, कि ऐसे बहुत ज़्यादा सुनामी, मतलब बहुत ज़्यादा वेव आए थे, सुनामी हुआ था तो बहुत वहाँ पे नुकसान हुआ था और वो पॉइंट जो है वो डूब गया, सबमर्ज हो गया ओशन के अंदर, याद आया? हाँ, तो सुनामी वाला ही था कुछ, तो वही है इंदिरा पॉइंट जिसे बोला जाता है, विच वॉज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वो सबमर्ज्ड इन 2004 ड्यू टू द सुनामी। विद दिस फ्यू आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार वेर ऑल्सो सबमर्ज्ड इन द ओशन। तो हुआ क्या कि सुनामी आए तो वो सुनामी ऐसे आया तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, वाटर लेवल बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ गया तो वो क्या हो गया, डूब गया। फिर वाटर लेवल, फिर सुनामी आया तो नीचे ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स हिली कि अब वो डूब ही गए, तो डूब ही गए वापस, वहाँ पे लेवल, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अंडमान निकोबार के कई आइलैंड्स ऐसे डूब गए थे। ओके, चलो अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो ये जो हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इतना जो बढ़िया वाला हमने बोला कि हमारे पास हिमालयाज है और ये साइड पे भी सी है, नीचे भी सी है, ईस्ट वेस्ट और साउथ में भी हमारे पास सी है, पेनिनसुलर प्लेटू जो हम बोलते हैं, ये सब कैसे हुआ उसकी बात करें तो स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, इंडिया लोकेशन, तो लोकेशन का तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा। ओके, देन इंडिया लोकेशन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर पूरा हम देख रहे हैं कैसे क्या है एंड ऑल, फिजियोग्राफी भी देखना है तो ये सब कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे। देखो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अभी देखते हैं। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रिस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो अभी की जो फिजियोग्राफी है, अभी जो दिखता है इंडिया वैसा क्यों है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से और जो क्रिस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ है, अर्थ की क्रिस्टल मूवमेंट्स है उसकी वजह से ऐसा है। बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स आर सीन। मतलब कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होता है और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होता है, जैसे कि सुनामी आया और अंडमान निकोबार के आइलैंड डूब गए, सबमर्ज हो गए, तो उससे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, मतलब
कुछ विनाश हो जाना उसको डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे, और कुछ नया बन जाना उसको कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। बोलेंगे कि सर नया कैसे बनेगा? अरे नया भी बनेगा, जैसे कि ऐसे प्लेट्स थे, ऐसे प्लेट्स थे, ओके, अब प्लेट्स दोनों, ये दोनों प्लेट्स ऐसे ऐसे थे और ऐसे करके एक दूसरे के साथ टकराया, ऐसे टकराया ना, तो ऐसे करके पहाड़ बन गया, ऐसे करके पहाड़ बना, वही हमारा हिमालयस है। ओके, मतलब ऐसे पहले प्लेट थी ऐसे और हमारी प्लेट थी, तो ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे हम बोलते हैं वो यूरोपियन प्लेट के साथ ऐसे टकराई, ऐसे टकराई तो ऐसे हो गया, तो ये हमारे क्या बन गए? हिमालयस बन गए। देखेंगे अभी, देखो चलो। सो द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एस्थोनोस्फियर। तो एस्थोनोस्फियर जिसे हम बोलेंगे, तो जो अर्थ का क्रस्ट है, मतलब जिसके ऊपर हम है, उसके अगर नीचे जाए हम थोड़े किलोमीटर ज्यादा, हाँ मतलब ऐसा नहीं एक दो किलोमीटर ज्यादा, 30 अराउंड किलोमीटर हम नीचे जाए, तो तुम्हें क्या मिलेगा कि हम एटलीस्ट इट्स लाइक, ऐसा समझो कि मूवी में या ऐसा तुमने देखा होगा कि जो, और गणेश विसर्जन में भी देखा होगा क्या, कि तालाब है और रिवर है, उसके ऊपर प्लास्टिक का पूरा जो बनाया हुआ है या लकड़ी के बांस का बनाया हुआ है उस पर वो फ्लोट हो रहा है, उसके ऊपर हम सो जाएंगे तो भी फ्लोट ही करते रहेंगे। ओके, ऐसे ही फ्लोट करते रहेंगे, तैर के जाएंगे, ऐसे मार मार के आगे भी जा सकते हैं, नाव नहीं, बोट नहीं, लेकिन जस्ट लाइक ऐसे एक के बाद एक बैम्बू लगा दिए गए हैं, तो वो लकड़ी का बना दिया या प्लास्टिक का बना दिया। ओके, तो वो कैसे फ्लोट करता है? वैसे ही और से एकदम और बेसिक से बताऊं तो तुम सपोज अपनी पेंसिल ले लो, ओके, अभी मत लो अपनी पेंसिल ले लो और सपोज घर में जाके बाथरूम में जो बकेट है उसके ऊपर ऐसे डाल दो, तो वो तैरने लगी। ओके, तो वो कैसे तैरती है, फ्लोट करती है? वैसे ही हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो तो फ्लोट कर रही है, सोचो ऐसे वैसे कुछ ज्यादा फ्लोट गई तो गए लाइक दैट, लेकिन वो फ्लोट कर रही है। ओके, तो कैसे, किस पे फ्लोट कर रही है? सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड मतलब लिक्विडियस भी है और सॉलिड भी है। ओके, सेमी लिक्विड, पूरा लिक्विड नहीं, सॉलिड में से लिक्विड बने तो सेमी लिक्विड होता है ना। ओके, तो वैसा टाइप, जैसे कि हम सेमी लिक्विड विक्स होता है ना, विक्स वेपर, तो वो ना तो सॉलिड लगता है और ना ही लिक्विड लगता है, बीच वाला लगता है, लिक्विडियस भी लगता है और थोड़ा बहुत सॉलिड भी है, तो उसे बोला जाता है सॉलिड सेमी लिक्विड। तो वैसे रॉक्स है उसके ऊपर हमारा अर्थ क्रस्ट मूव कर रहा है। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ के इंटीरियर में कंटिन्यूअसली रेडियोएक्टिव प्रोसेस चलती रहती है, कंटिन्यूअसली रेडियोएक्टिव प्रोसेस। ओके, अब रेडियोएक्टिव प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई इन फॉर्म ऑफ हीट वो कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है, तो वही हीट की बात कर रहे हैं। Now it tends to reach the surface of the earth by generating conventional currents. Conventional currents मतलब just like जैसे river है, तो river कैसे flow करती है directly? Okay, ऐसे 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 करके पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, नहीं बोलते हम, so river ऐसे flow कर रही है, वैसे ही conventional current मतलब जहां जहां जगह, जहां जहां gaps दिखे वहां वहां से ये जो लावा बोलेंगे हम, melt of solid और liquid, semi liquid जो है हमने बोला मोल्टन मेटल भी बोल सकते हैं, तो ये पूरा मूव करता करता ऊपर आएगा। कहाँ से मूव करेगा? जहां से जगह मिलेगी वहां से मूव करेगा, अगर यहाँ से जगह नहीं मिलेगी तो ऐसे करके यहाँ से मूव कर देगा, लाइक दैट, समझ में आया? तो उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ओके, दीज अपवर्ड करंट्स ब्रेक्स द अपर लेयर विच ब्रेक इन टू द लार्ज पीसेस विच आर नोन एज द लिथोस्फियरिक प्लेट्स और से टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अब क्या हुआ कि ये जो आए ऊपर, ये जैसे ऐसे है, ये पूरी एक लैंड है, ऐसा समझे एक पूरी लैंड है, ये पूरी लैंड है, अब ऐसे दो हाथ में। ओके, अब ऐसा समझो कि ये लैंड है और ये मेरा हाथ भी लैंड है, अब नीचे से कन्वेंशनल करंट आया, ऐसे ऐसे करके आए और यहां जगह थी तो ऐसे कन्वेंशनल करंट ऐसे बाहर आ गए, तो ये जगह अलग हो गई और ये मैं भी अलग हो गया, तो ये जो दो क्रिएट हुआ, मतलब ऐसे दो है, नीचे से कुछ आया और ऐसे बीच में से आके निकल गया, तो ये दो अलग कर दिया, ये जो अलग कर दिया ये क्या बन गए? प्लेट्स बन गए, इसे ही बोलते हैं क्या? टेक्टोनिक प्लेट्स। पहले ये सब कुछ ज्वाइन था, सब कुछ पहले क्या था? ज्वाइन था, ऐसे ही एक ही था पूरा, अब नीचे से आया नहीं, हम भूकंप आता है तो कैसे दरारें पड़ जाती है दीवारों में, अगर दीवारें पुरानी हो जाए तो कैसे दरारें पड़ जाती है, बीच में क्रैक आ जाती है, तो वैसे ही क्रैक आ गई, मतलब क्या कि नीचे से कुछ ऐसा आया कि क्रैक आ गई और वो ऊपर चला गया,
तो ये दो अब अलग हो गए। हाँ हाँ थ्रो मतलब पानी बारिश में, बारिश का पानी बारिश नहीं होती तो लैंड। हाँ उससे तो कुछ और बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं उसे, ड्रॉट हाँ वैसे ही टाइप का, यस उसे ड्रॉट बोलते हैं, डी आर ए यू जी एच टी ड्रॉट। तो वो जो वही बोलना चाह रही थी ना, हाँ तो वो जो ड्रॉट होता है, हाँ तो तुम देखोगे कि वहां पे कैसे क्रैक्स दिखते हैं जमीन में, लेकिन ये क्यों दिख रही है, क्योंकि पानी अंदर नहीं जा रहा है, पानी की क्वांटिटी कम है इसलिए। लेकिन ये तो छोटा है, ऐसा समझो इससे भी मल्टीपल टाइम्स, 100 times 1000 times बड़ा। तो एक लैंड यहाँ पे, एक लैंड यहाँ पे, बीच में गैप आ गया, ओके वहां पे लावा है, पानी वानी नहीं, वहां पे लावा है, समझ रहे हैं। तो ये लैंड अलग हो गई, ये लैंड अलग हो गई, तो इसी को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अंडरस्टूड? ओके तो ये जो बनी, जैसे कि देखो ये नीचे से ऐसे, ये दो प्लेट ऐसे इकट्ठा थी और फिर ऐसे करके ऊपर से कुछ आया, तो ये देखो इकट्ठा थी और अब ऐसे एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, ये बीच में से लावा आ गया, तो ये क्या हो गया, पहले एक प्लेट थी, अब कितनी प्लेट हो गई, दो प्लेट हो गई। अंडरस्टूड? तो इसे ही बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स और से लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो भाई ऐसे पहले 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स थी, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स थी। पहली है पैसिफिक प्लेट, दूसरी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तीसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट। प्लेट इन द सेंस जमीन का एरिया, जमीन का एरिया, जैसे मैंने बोला ना पेंसिल, तो भाई 7 पेंसिल तुमने बकेट में डाली हुई है, एक पेंसिल, दो पेंसिल, 3 4 5 6 7 ऐसे लाइक दैट। तो कैसे पानी पे पेंसिल तैर रही है, वैसे ही पानी ही तो है, पूरे 70% तो पानी है, ओके ओशन पे ही है सब कुछ, तो वैसे ही 7 है। देन यूरोपियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड एंटार्क्टिक प्लेट्स। 7 प्लेट्स के नाम याद रह गए, 7 जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट्स है, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो एट सम प्लेसेस दीज प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर विच आर नोन एज द डाइवर्जेंट प्लेट। मतलब कि अगर डाइवर्जेंट मतलब क्या, एक दूसरे से दूर जाना, और कन्वर्जेंट मतलब क्या, एक दूसरे के नजदीक आना। कन्वर्जेंट मतलब देखो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, और डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर जहां भी तुम्हें वैली दिखाई देगी, वैली ओके बहुत ज्यादा ऐसे गड्ढा टाइप, यहां भी माउंटेन और बीच में गड्ढा, तो मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसे दो प्लेट्स है वो ऐसे दूर जा रही है, डाइवर्जिंग है, तो बीच में गड्ढा हो गया ना। और जहां पे तुम्हें माउंटेन दिखाई दे वहां पे क्या है, वहां पे कन्वर्जिंग प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों आ रही है और ये ऐसे इकट्ठा हुई ऐसे पहाड़ बन गया। अब वापस यही प्लेट अगर दूर जाएगी तो ये पहाड़ धीरे 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 करके ऐसे, अरे पहाड़ कहाँ चला गया, यहाँ पहाड़ था हजारों सालों पहले, यहाँ पहाड़ था, अभी नहीं है। वो प्लेट्स खिसक गई, मूव करने लगी, डाइवर्जन प्लेट, इसलिए पहाड़ चला गया। और तुम बोलो हजारों साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, अचानक से हिमालय कहाँ से आ गया यहाँ पर, तो हिमालय भी ऐसे ही बना हुआ है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। अंडरस्टूड? ओके। एट सम प्लेसेस दीज प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर विच आर नोन एज कन्वर्जन। तो मतलब अगर एक दूसरे के दूर जाए तो डाइवर्जेंट और नजदीक आए तो क्या, कन्वर्जन प्लेट्स। ड्यू टू द डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जन प्रोसेस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग टेक्स प्लेस। ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स शेप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एज वेल एज देयर लोकेशंस हैव चेंज्ड। तो भाई इसी की वजह से फोल्डिंग एंड फोल्डिंग होता है एंड फॉल्टिंग होता है। तो फोल्डिंग फॉल्टिंग जैसा मैंने बताया ना कि भाई ये ऊपर भी और ऐसे करके खाई भी बन जाएगी, पहाड़ भी बन जाएंगे। तो भाई ऐसे ही लैंड फॉर्म्स के शेप्स क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। तो जितने भी डाइवर्जेंस हो रही है, डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे के दूर जा रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वो क्यों हो रहा है कि अंदर नीचे जो लावा है, जो वॉल्केनो है, वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। Wherever these drifting plates have colloided with one another, it has resulted into the mountain building process. जब ऐसी प्लेट्स एक दूसरे के साथ कॉलोइड हो जाए, मतलब टकरा जाए, तो क्या बनेगा, माउंटेन बन जाएगी।
तो हिमालय इतनी बड़ी जो माउंटेन रेंज है, हम ईस्ट से लेके पूरी वेस्ट तक जो माउंटेन रेंज है वो कैसे बनी है, ऐसे ही बनी है। जैसे कि ये देखो, ये तुम्हें मेजर प्लेट्स दिखाई गई है, तो ये तुम्हारी है, ओके, तो देखो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोपियन वाले प्लेट, यही प्लेट ये साइड है, हाँ ये एक ही प्लेट ये साइड है, ओके, तो ये क्योंकि अर्थ राउंड है तो ये ऐसे करके ऐसे, तो ये यूरेशियन प्लेट, ओके, ये पैसिफिक ओशन प्लेट, तो ये पैसिफिक ओशन की ये प्लेट्स हैं, एंड नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अब यहाँ देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है यूरोपियन प्लेट, देखो यूरेशियन प्लेट वापस। अब देखो ये हमारा इंडिया का पार्ट है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब क्या, ये पूरी बाउंड्री है, समझ में आ रहा है, तो ये पहले ऐसा नहीं था, ये ऐसे साथ में थे, ऐसा समझो, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मैं तुम्हें ऐसा हो तो वीडियो दिखाऊंगा, ओके, तो मतलब जैसे कि ये इंडिया है वो पोर्शन इसके साथ था, सपोज ऐसे अमेरिका है, अफ्रीका है, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये सब लोग ऐसे साथ में प्लेट्स थे, एक ये तो साथ में, फिर अब धीरे धीरे प्लेट्स ऐसे दूर होती गई, तो भाई अमेरिका और अफ्रीका दूर हो गए, अभी भी अफ्रीका और इंडिया एक है, और फिर इंडिया अफ्रीका वहीं रह गया, और इंडिया और आगे बढ़ता गया तो अफ्रीका और इंडिया भी अलग हो गए, और अब इंडिया यहाँ पे यूरोप की प्लेट तो वहीं पे थी, तो इंडिया यूरोप की वहां थी और इंडिया की जाके उससे ऐसे टकरा गई, ये पूरी माउंटेन रेंज क्रिएट हो गई, समझ में आया पक्का, ओके, तो ऐसे माउंटेन बने हैं। अब कोई पूछे कि हिमालयस कैसे बने हैं, मुझे पता है, तो ये रीजन है, अंडरस्टूड, ओके, सो landforms, the process of divergence is responsible for all the tectonic and volcanic activities on the earth. Wherever these drifting plates have collided with one another, mountain bane hai. Wherever these plates drift away, fissures are created within landforms and oceans. मतलब कि fissures, मतलब जो खाई जैसा हम बोलते हैं, वो बन गए हैं. The continents situated along these fissures are drifting continuously. Such plates are convergent plates. तो ये ऐसी plates को convergent plate बोलेंगे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, convergent plate. Okay. Then India was a part of a very vast and ancient landmass known as the Gondwana land. तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, वो पूरा ही कनेक्टेड था, फिर धीरे धीरे प्लेट ड्रिफ्ट होती गई, तो ये अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, फिर अफ्रीका वहां रह गया, इंडिया भी अलग अलग होते होते, इंडिया ऐसे बहते बहते, ऐसे समझो कि इंडिया वाली पेंसिल बहते 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 यूरोपियन वाली पेंसिल थी, वहां जाके से टकरा गया, तो जैसे टकराया तो वहां पे माउंटेन्स बन गए और चिपक गए वो लोग, यूरोप के साथ हमारी प्लेट क्या हो गई, ज्वाइन हो गई, क्योंकि बीच में माउंटेन्स आ गए, लाइक दैट. सो ये पूरा जो लैंड है पहले वाला, जब अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया सब लोग इकट्ठा थे, उसको क्या बोला जाता है, गोंडवाना लैंड. ओके, दिस लार्ज लैंडमास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ, अभी क्या देखो, अभी का क्या क्या है, साउथ ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. तो भाई हम एंटार्क्टिका, साउथ ऑफ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, उनसे कनेक्टेड थे हम पहले से. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स द नॉर्थ. टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो नॉर्थ की तरफ बहती चलती गई, मतलब ड्रिफ्ट होती गई, टकरा गई यूरोपियन प्लेट से. इट इज सो बिलीव्ड दैट, ये बिलीव है ये सब किसी ने देखा है क्या, तब नहीं थे ह्यूमन बींग्स, ये तो हम मानते हैं कि ऐसा सब ऐसा हो रहा है, थोड़े सालों से हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ होगा, इट इज बिलीव्ड किया जा रहा है. ओके, हाँ, सो बिलीव्ड दैट दिस प्लेट कॉलोइडेड विद द लार्ज यूरोपियन प्लेट बिफोर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स पहले ऐसा हुआ था. 5 करोड़, जस्ट इमेजिन 5 करोड़ ईयर्स. ड्यू टू द कॉलिजन्स बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ द थीस सी.
मतलब कि ये जो कॉलिजन हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का और यूरोपियन प्लेट का, हिमालयन माउंटेन्स बन गए हैं तिथिस सी में से। ओके, समझ में आया? ओके चलो। लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम। तो हिमालय की साउथ में लार्ज वैली सिस्टम बन गई है, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास रिवर्स है, हमारे पास कल्टीवेटिंग लैंड है। तो हमारे इसीलिए तो हमने देखा कि इंडिया में लोग पहले कहाँ बसे थे, तो रावी और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस और रावी रिवर के आसपास ही तो सब लोग सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। जैसे हम नर्मदा के किनारे रहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में, वैसे वहां पर वो रिवर के बैंक पे ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ओके, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलिया, तो हमने देखा अ लार्ज वैली, वो भी देखा हमने, वेयर इन एल्यूवियल सेडिमेंट्स वेयर डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट। मतलब कि वहां से क्या है, एल्यूवियल, एल्यूवियल सेडिमेंट्स अभी हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा एल्यूवियल क्या होता है, फर्टाइल। ओके, एल्यूवियल मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड हो जाती है। ओके, एक लैंड का टाइप है एल्यूवियल सॉइल। ओके, सॉइल का टाइप है, लैंड का टाइप है, वो हम देखेंगे। तो वो सेडिमेंट्स वहां पे आ गए हैं, कैसे आ गए हैं, जो रिवर है वो उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स होते हैं तो प्लांट्स अच्छे होंगे, प्लांट्स अच्छे होंगे और हम प्लांट्स खाएंगे तो हम भी अच्छे होंगे, लाइक दैट। सो रिवर्स के साथ साथ वो बहते बहते सेडिमेंट्स, क्योंकि वहां तो खाई आ गई है, तो वहां जाके सब सेटल होते गए। ओके, तो इसीलिए वो बहुत अच्छा है। दस गंगा प्लेन बिटवीन हिमालयाज एंड साउथर्न पेनिनसुला वॉज फॉर्म्ड। तो गंगा प्लेन बन गया बिटवीन हिमालयाज और साउथर्न पेनिनसुला, मतलब से एमपी से स्टार्ट कर दो मध्य प्रदेश से, तो ये जो बीच वाला है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, द गंगा प्लेन। ओके, गंगा प्लेन वो बन गया। ओके, अ ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से विच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज सबमर्ज। तो जो हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट है वहां पे भी बहुत ज्यादा पार्ट था ऑलरेडी, जमीन का पार्ट, वो क्या हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ये साइड चला गया और फिर वो क्या हो गया, जमीन ओशन में डूब गया, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा बहुत पार्ट जो है वहां पर अभी भी लोग जाते हैं, जिसका नाम है वो अग्निपथ मूवी है ना, उसमें वो सीन दिखाया गया है, डीप ऐसे नाम है आई थिंक, बट दैट इज देयर। ओके, जैसे कि हमारा हमारा ये इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ महाराष्ट्र है, उसी के यहाँ ये पोर्शन है। ओके, तो वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो क्या हो गया, अलग हो गया। पहले तो ये कनेक्टेड था यहाँ, लेकिन ये अलग हो गया और अलग होने के बाद क्या हो गया, ओशन में सबमर्ज हो गया। अभी भी उसके थोड़े पार्ट्स जो है वो है, डी 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 क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही कुछ यूनिक नाम ही है, कभी याद आए तो मैं वापस बताऊंगा। तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो पार्ट अलग हो गया हमारे, और देन वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया ओशन में। ओके चलो आगे देखते हैं। हाँ, ओके, सो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अरेबियन सी। तो इसी से अरेबियन सी भी बना हुआ है। ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न घाट्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट। तो भाई ये सबमर्जेंस हो गया, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स और दूर हो गए। वेस्टर्न घाट्स जो है हमारे, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये पेनिनसुलर है, वहां पे घाट्स ही है, मतलब यहाँ पे पूरी माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन रेंज है। ओके, तो वो घाट भी दूर हो गए, बिकेम मोर डिस्टिंक्ट। Thus, a large diversity is seen in the Indian subcontinent. इसीलिए Indian subcontinent जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा diversity देखने को मिलती है। केरला में कुछ और हो रहा है, तमिलनाडु में कुछ और हो रहा है, ओके, आंध्र प्रदेश में कुछ और हो रहा है, कर्नाटक में कुछ और हो रहा है, like that. क्योंकि geological condition ही वैसी है हमारी, ओके. Then, their alluvial deposits have formed this, नहीं, उसके ऊपर का रह गया ना,
लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ. नॉर्थ में तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं. मैनी प्लेट्यूज समिट्स एंड पासिस आर सीन विद इन देम. तो बहुत ज्यादा प्लेट्यूज दिखाई दे रहे हैं. मैदान प्लेट्यूज का मीनिंग बता दिया था मैंने तुम्हें, जैसे ऊपर हुआ उपसा हुआ पार्ट हो उसको प्लेट्यू बोलेंगे. समिट्स मतलब टॉप, टॉप को क्या बोलेंगे, पीक, पीक ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन को क्या बोलेंगे, समिट. इंग्लिश में ये भी एक चैप्टर आया था याद हो तो, समिट ऑफ द टॉप. नाइन्थ में भी आएगा, नाइन्थ में भी आएगा तब देखेंगे हम. ओके, देन पासिस आर सीन विद इन देम. तो पासिस ये कौन से पासिस, अभी हमने बात की वो क्या, तिब्बत और चाइना के साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करना हो, कोई भी टाइप का एक्सचेंज करना हो, हायर एल्टीट्यूड पे पासिस बनाए गए हैं. तो वही पासिस की बात की जा रही है. गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. तो कौन से रिवर फ्लो रही है, गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो इंडस रिवर है वही एक ग्लेशियर है. तिब्बत जो है हमारा जो तिब्बत है, तिब्बत तो तिब्बत में जो तिब्बत में जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर मेल्ट होके एक साइड जो रिवर जा रही है और फिर ऐसे नेपाल वेपाल होके फिर ऐसे इंडिया में एंटर कर रही है, ये है ब्रह्मपुत्र. और वही ग्लेशियर दूसरी साइड से मेल्ट होके जा रहा है तो वो है हमारी इंडस रिवर. ओके, मतलब एक ही ग्लेशियर में से दो रिवर निकल रही है एक साइड. जैसे मैं माउंटेन हूँ तो ऐसे है, तो अगर मेरे ऊपर पानी डालोगे तो थोड़ा ये साइड जाएगा, थोड़ा ये साइड जाएगा. तो ये साइड वाला जो जा रहा है वो इंडस वैली, इंडस रिवर थ्रू ऐसे करके बहते 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 पाकिस्तान साइड जा रहा है. और ये साइड जो बह रहा है वो पूरा टिबेट और से चाइना साइड मूव करते 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 अरुणाचल प्रदेश से वापस इंडिया में आ रहा है. दैट इज एक ही ग्लेशियर पिघल रहा है और ये बन रहा है. तो ये साइड वाली इंडस रिवर, ये साइड वाली ब्रह्मपुत्र रिवर. लेकिन ये ब्रह्मपुत्र रिवर हम बोलते हैं, चाइना में ये रिवर को सेंगपो अलग नाम दिया जाता है. ओके, सो हमारे लिए वो ब्रह्मपुत्र रिवर है. हाँ, देन देयर एलिवेशन डिपॉजिट हैव फॉर्मड दिस प्लेन. टू एजेस इन द फॉर्म ऑफ घाट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन आर सिचुएटेड. मतलब जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न घाट्स भी है ये रे और वेस्टर्न घाट्स भी है. ओके, एजेस पे ही है दोनों घाट्स. एंड कोस्टल प्लेन्स, पूरा का पूरा ये कोस्टल प्लेन है. यहाँ सोमनाथ से स्टार्ट करे या द्वारका से स्टार्ट करे तो ये पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा बड़ा कोस्टल प्लेन है. और कोस्टल प्लेन इन द सेंस कोस्टल बाउंड्री है. ओके, वो है. एंड वेस्टर्न ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन आर सिचुएटेड एंड दस इंडिया होल्ड अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी. तो इसीलिए इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट टाइप की फिजियोग्राफी है. तो अगर ऐसा भी पूछा जाए कि इंडिया होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो फिर हमें यहाँ से लिख लेना है, लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द लाइक दैट. अंडरस्टूड. तो ये पूरा हमारा चैप्टर था इंडिया लोकेशन स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी. समझ में आया पक्का? कोई डाउट हो तो पूछो. कोई डाउट है? सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो इतना रखते हैं. नेक्स्ट हम कल क्या करना है, अब आगे